आज अध्याय 15 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता जहाँ पर संभवतः, संदेह, विराम इत्यादि शब्द प्रायिकता के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी घटना ई की प्रायिकता पी ई निम्न प्रकार से दी जाती है। पी ई बराबर होता है उन अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें ई घटित हुआ है और कुल अभिप्रयोगों की संख्या, इसे कहते हैं प्रायिकता। ठीक, तो बच्चों आज इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। पहला है, एक सिक्के को असंख्य बार फेंकने पर पट आने की प्रायिकता होती है 1/2। सेकंड, किसी भी घटना के ना घटने की प्रायिकता होती है 0। ना घटना यानी जो असंभव घटना होती है, यानी जो घटना कभी हुई नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट, सभी संभव प्रायिकता का योग सदैव क्या होता है 1 होता है। मतलब संभव यानी आज फॉर एग्जांपल कि वर्षा होगी तो वर्षा होगी, यानी इसका मतलब कि बूंदाबांदी भी हो सकती है और बारिश भी ज्यादा हो सकती है, तो ये संभव घटना कहते हैं। एक घनाकार कांसे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता होगी 3/4। फिर प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने से प्रायिकता होगी 1/2। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को प्रायिकता कहते हैं। तीसरा, एक सिक्के को उछालने पर हेड या चित्त आने की प्रायिकता होगी 1/2। नेक्स्ट, 1936 महीने की आयु वाले 30-64 बच्चों पर किए गए एक सर्वे में पाया कि 91 बच्चे आलू के चिप्स खाना पसंद करते हैं। इनमें से एक बच्चा यदि यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो उसकी प्रायिकता है कि वह बच्चा आलू के चिप्स पसंद नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर है द, जो है 0.80। फिर है 642 व्यक्तियों पर किए गए प्रदर्श अध्ययन में पाया गया कि 514 व्यक्तियों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इनमें से एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से चुना जाए इसकी प्रायिकता है कि उस व्यक्ति के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। इसका सही उत्तर है 0.7। सही जोड़ी बनाई, एक पंखे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता होगी 1/2। ये आंसर नंबर 1 इसका सही उत्तर है। सेकेंड, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी 1, आंसर नंबर 2 का है ये। थर्ड, एक फांसे को उछालने पर ऊपर 5 आने की प्रायिकता जो है आंसर नंबर 3 1/6 है। नेक्स्ट, एक फांसे को फेंकने पर 0 आने की प्रायिकता 0 होगी, आंसर 4 का है ये। फिर 5, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर दोनों की चित्त आने की प्रायिकता आंसर 5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रायिकता का सूत्र लिखिए। पहला फॉर्मूला है, प्रायिकता बराबर अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटी हो बटे अभिप्रयोग की कुल संख्या, मतलब PE इज इक्वल टू होगा NE/NS। ठीक, NS मतलब टोटल। ठीक, नेक्स्ट, किसी फांसे को फेंकने पर फलक पर 7 अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, तो किसी भी फांसे में क्या होते हैं 1 से लेकर 6 अंक तक होते हैं, 7वां नहीं होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। तीसरा, प्रायिकता का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र और मौसम विभाग में प्रयोग करते हैं। किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो 0 और 1 के बीच हो सकती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब निम्नलिखित में से सत्य असत्य छांट कर लिखिए। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1 होती है, ये क्या होता है रॉन्ग। फिर एक असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, ये भी क्या है सत्य है। सेकंड, फिर किसी घटना के घटित एक होने की एक अधिक भी हो सकती है। थर्ड असत्य, एक पांसे को फेंकने पर उसकी फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है सत्य। किसी घटने की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है।